अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं संडे मार्केट। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद पिक एंड ड्रॉप की जो गाड़ियाँ होती हैं स्कूल वगैरह में चलती हैं, मैंने बोला चलो यार इसका एक रिव्यू बना दें दोबारा से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था हम लोगों ने इन गाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो आज देखेंगे इन गाड़ियों के क्या रेट वगैरह हो गए, क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा बड़े भी थे और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाले चल रहे थे कोरोना के बाद से, तो रेट काफ़ी अप डाउन हुए हैं। तो अभी देखते हैं इन गाड़ियों के क्या रेट वगैरह चल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अच्छे से डिटेल हम लोग लें। तो देखते हैं अभी कौन कौन सी गाड़ियाँ हम लोग मिल गई। 90 का जो है मॉडल है पूरा रिकंडीशन हुआ है, बहुत अच्छी कंडीशन में जो है इन्होंने बना के रखा हुआ है, बिल्कुल गाड़ी साफ है। नीचे से टायर वगैरह कंडीशन बहुत अच्छी मिल जाती है, इसमें जो है इन्होंने व्हील कैप वगैरह काफ़ी अच्छे से डाले हुए हैं और टायर पर लुक काफ़ी बहुत अच्छा सा दिया हुआ। तो मुझे दूर से गाड़ी दिखी तो मैंने बोला चलो यार ये गाड़ी भी जो है हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो गाड़ी ओवरऑल बिल्कुल साफ़ सुथरी है, फ्रंट साइड से भी मैं एक नज़र आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाड़ी फ्रंट साइड से भी जो है वो बिल्कुल क्लियर है और बैक साइड वगैरह तो मैंने आपको दिखाई, बाकी एक नज़र हम इसका साउंड सिस्टम वगैरह देखेंगे, पीछे इन्होंने लगाया हुआ है या नहीं लगाया वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। हुड वगैरह भी इन्होंने अच्छा सा जो है मेंटेन करके रखा हुआ है, ब्लू कलर में हुड बनाया हुआ है इन्होंने। और बैक साइड की बात करूँ, बैक साइड पर आपको नॉर्मली जो है अपना साउंड सिस्टम वगैरह इसमें गाड़ी में मिल जाता है। बाकी चलते हैं अभी भाई के भाई से मालूम करते हैं कि क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं और इसका एक नज़र इंटीरियर भी देख लेते हैं, इंटीरियर में इन्होंने क्या करा हुआ है। तो डैशबोर्ड वगैरह की बात करूँ भाई, डैशबोर्ड जो है वो क्लियर रखा हुआ है इन्होंने, बिल्कुल अच्छा सा लुक दे के रखा हुआ है। सीट्स वगैरह जो है वो अच्छी सी जो है इन्होंने बना के रखी हुई है, आगे भी इसके स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, बैक साइड पे भी लगे हुए हैं। बस अब भाई से पूछते हैं कि इसकी डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं और गाड़ी कितने में दे रहे हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है अजलान भाई। तो अजलान भाई की जो है गाड़ी, अजलान भाई 90 का आपने मुझे मॉडल बताया, गाड़ी की डिमांड क्या कर रहे हैं? गाड़ी की डिमांड है 380। ठीक है, 380,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी ओवरऑल जो है इन्होंने अच्छी से मेंटेन करके रखी हुई है। अच्छा, अभी आपके नजरिए में कोई काम सस्पेंशन में या कुछ? गाड़ी बिल्कुल ओके है। ठीक है, कोई काम नहीं है। बाकी पेपर वाइज की बात करें भी ओके, रिटर्न फाइल है। ठीक है, बाकी अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा साहब। 03111 3232 3285 898 898। तो ये भाई का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी बढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग को मिल गया 90 का जो है मॉडल है पूरा जो है रिकंडीशन हुआ है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में जो है इन्होंने गाड़ी को मेंटेन करके रखा हुआ है, जैसे हम लोगों ने एक पहले गाड़ी देखी थी। और ये वाली गाड़ी भी काफ़ी अच्छी सी जो है इन्होंने मेंटेन करी हुई, सामने क्रोमिक टाइप जो है इन्होंने वो टेक्सचर दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी। मैंने बोला चलो यार इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो साइड वगैरह गाड़ी की जो है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पूरी गाड़ी इन्होंने नहीं बनाई है तो जाहिर सी बात है ए टू जेड पूरी आप लोगों को नहीं मिल जाती है। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी सी जो है इन्होंने मेंटेन करी हुई है। बाकी बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड भी आप लोगों को अच्छी से मिल जाती है, साफ़ सुथरी मिल जाती है। साउंड सिस्टम वगैरह जो है इसमें नॉर्मल लगा हुआ है, ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। बाकी अभी हम फ्रंट की वाली साइड देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा सा हम लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं यार इसका इंटीरियर वगैरह देख लेते हैं इसका, फिर जो है बात करेंगे भाई से कि क्या इसकी डिमांड वगैरह कर रहे हैं और कितने में छोड़ेंगे। बाकी व्हील कैप वगैरह इन्होंने ये वाले जो है वाइट वाले जो है लगाए हुए हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा सा जो है वो गाड़ी पर लुक मिल जाता है। व्हील भी जो है इसके अच्छी कंडीशन में आप लोगों को मिल रहे हैं। बाकी डैशबोर्ड वगैरह की बात करूँ तो डैशबोर्ड वगैरह भी आप लोगों को अच्छी कंडीशन में मिल जाता है। बाकी सीट वगैरह इन्होंने कवर वगैरह अच्छे से जो है वो गाड़ी पे चढ़ाए हैं। तो बस चलते हैं भाई से मालूम करते हैं कि भाई इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं और गाड़ी। अभी मेरे साथ मौजूद हैं शादी भाई। तो शादी भाई की जो है गाड़ी है, शादी भाई 90 का जो है मॉडल है, आपने पूरी गाड़ी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बना के रखी है, आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 385 डिमांड है भाई। ठीक है, 385 जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। ओवरऑल गाड़ी में कोई काम आपके नजरिए में? काम नहीं, हर चीज़ ओके, इंजन सस्पेंशन सारी चीज़ों से ओके है। 385 जो आप डिमांड कर रहे हैं 90 का जो है मॉडल, अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा। 03131 0 2 7 0 5 7 0 5। तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वाइट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं तो अभी हम लोग को मिल गया 93 का जो है ये मॉडल है। तो ओवरऑल गाड़ी देखेंगे पूरी जो है इन्होंने रिकंडीशन करी हुई, काफ़ी अच्छी थी कंडीशन में गाड़ी रखी हुई, चमकती हुई दिखी। मैंने बोला चलो यार इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो कोशिश करूँगा कि यार इसके बाद भी कुछ गाड़ियाँ मुझे मिल जाएँ जो मैं ऐड कर लूँ। तो गाड़ी ये भी काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी है बिल्कुल, और ब्लू सा कलर दिया हुआ है इन्होंने अच्छा काफ़ी, यानी कि मुझे लगा दूर से ही कलर, तो मैंने बोला चलो यार इसको भी ऐड करते हैं। बाकी व्हील वगैरह भी इन्होंने अच्छे से जो है वो पेंट करे हुए हैं। अब चलते हैं इसका बैक साइड एक दफ़ा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पहले फ्रंट देख लेते हैं फिर बैक साइड भी एक नज़र देख लेंगे। तो फ्रंट से भी इन्होंने अच्छा सा शेड वगैरह दिया हुआ है, हेडलाइट पर येलो शेड दिया हुआ है और स्टिकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी से करी हुई है, यानी कि कलर करेक्शन जो है ना वो काफ़ी अच्छे से करी हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा लुक जो है उड़ गया। एक नज़र हम लोग बैक साइड पे भी देख लेते हैं। सो बैक साइड पे भी आप लोगों को नॉर्मल साउंड सिस्टम वगैरह जो है वो गाड़ी में मिल जाता है और सीट वगैरह अच्छी सी मेंटेन हुई है, पूरा जो है इंटीरियर इसका बना हुआ है। तो अभी चलते हैं इसका एक नज़र जो है हम इंटीरियर आगे से देख लेते हैं, डैशबोर्ड वगैरह देख लेते हैं, फिर जो इनके ऑनर हैं उनसे बात करेंगे कि भाई गाड़ी कितने तक में दे रहे हैं और क्या डिमांड हो। सो बात करूँ भाई इंटीरियर की तो इंटीरियर भी आपको साफ़ सुथरा मिल जाता है, डैशबोर्ड वगैरह इसका कंप्लीट है, ऊपर से उस पर जो है वो मैट वगैरह डला हुआ है, बाकी सारी चीज़ें यानी कि गत्ते वगैरह सब चीज़ें ओके हैं, क्योंकि देखें गाड़ी पूरी इन्होंने बना के रखी हुई है। अब चलते हैं इनके ऑनर के पास, उनसे बात करते हैं कि भाई ये गाड़ी कितने में दे रहे हैं वो और क्या हिसाब किताब इस गाड़ी। अभी मेरे साथ मौजूद है नई अंकल। तो नई अंकल की जो है गाड़ी है, नई अंकल मॉडल कौन सा बताया आपने मुझे? 90। ठीक है, 93 का जो है मॉडल है, पूरी रिकंडीशन आपने गाड़ी करवाई हुई है। तो गाड़ी की डिमांड क्या कर रहे हैं आप? 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड है। गाड़ी ओवरऑल मैंने आप लोगों को दिखाई, बैक साइड से भी फ्रंट से भी दिखाया। अच्छा, अभी कोई काम इसमें सस्पेंशन वगैरह में, इंजन वगैरह में? नहीं, कोई नहीं है, सब रेट ठीक है, सही है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट है, यानी कि कोई अभी आपकी नज़रिए में काम नहीं है। अच्छा, CPLC वगैरह और पेपर वाइज क्लियर है?
सारी चीज़ें क्लियर हैं, फाइल जो है मौजूद है इसकी, ठीक है, टैक्स वगैरह पेड है, सब पेड है, ठीक है। बाकी अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 0345-0345-230-3828-3828। तो ये जो है अंकल का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। 4 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। 93 का मॉडल है, गाड़ी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने बनाई हुई है। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ करने वाले हैं। 2007 का जो है मॉडल है रावी का, तो अभी कोशिश करेंगे इसको अच्छे से हम लोग देख लें। तो साइड वगैरह गाड़ी क्लियर है, फ्रंट वगैरह क्लियर है गाड़ी का। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि देखें अपना बाकी जो नॉर्मली जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है 660 cc करोला एक्सलाई GLI, तो इन गाड़ियों की काफ़ी कम बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो यार आज जो है ये गाड़ियाँ सारी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो गाड़ी ओवरऑल साइडों वगैरह से जो है वो क्लियर है पूरी, बाकी दोनों साइडों से जो है वो पूरी गाड़ी क्लियर है दोनों साइडों से, बाकी के व्हील वगैरह जो है इसके क्लियर हैं। तो एक नज़र इसका हम इंटीरियर वगैरह भी देख लें थोड़ा बहुत, तो इंटीरियर वगैरह भी जो है वो अच्छी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में जो है इन्होंने रखा हुआ है। तो बस अब चलते हैं भाई के पास, भाई से मालूम करते हैं कि इसकी क्या डिमांड वगैरह रखा है। तो अमजद भाई की जो है गाड़ी है, अमजद भाई 2007 का जो है मॉडल बताया, इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 530। ठीक है, 530 जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी चली हुई कितना है? 60 किलोमीटर। ठीक है, 60,000 किलोमीटर तकरीबन गाड़ी चली हुई, गाड़ी ओवरऑल साफ सुथरी रखी हुई, बाकी पेपर वगैरह क्लियर हैं इसके? ठीक है, इंजन वगैरह में कोई काम? पेपर वगैरह सारी हर A to Z क्लियर है यानी कि। ठीक है, अपना नंबर भी शेयर कर देगा। 0340-0340-11-11-99-431-431। तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मालूम ले सकते हैं। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड करें। हम लोगों को मॉडल मिल गया रावी का, तो अभी कोशिश करेंगे इसको भी अच्छे से जो है हम गाड़ी देख लें। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी थी, इन्होंने कंडीशन में रखी हुई है, सामने जो है इन्होंने गार्ड वगैरह गाड़ी का लगाया हुआ है, बिल्कुल क्लियर है, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, लाइंस वगैरह नहीं है साइडों पे, और लाइनिंग वगैरह जो है गाड़ी में लगे हुए, व्हील जो है नॉर्मल कंडीशन में, बाकी ये कि पीछे का हुड वगैरह जो है इन्होंने अच्छा सा मेंटेन करा हुआ है। और बाकी बात करूँ बैक साइड की, तो बैक साइड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो बैक साइड से भी गाड़ी जो है क्लियर है, हैवी साउंड सिस्टम इन्होंने जो है वो डाला हुआ है गाड़ी के अंदर, बैक साइड से भी गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। तो अभी ये वाली साइड भी हम लोग देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से जो है हम गाड़ी दिखा दें आप लोगों को। तो चलते हैं अभी इसका इंटीरियर देख लेते हैं, फिर जो इनके ऑनर हैं उनसे बात करेंगे कि भाई क्या डिमांड कर रहे हैं और गाड़ी कितने तक में हम छोड़ेंगे। सो बात करूँ भाई इंटीरियर की, तो इंटीरियर की साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की क्लियर है, दरवाजे वगैरह क्लियर है, यानी कि गत्ते वगैरह इन्होंने बनाए हुए, सीटें वगैरह जो है इन्होंने नहीं डाली हुई है, बाकी ये सामने भी इन्होंने अच्छा सा जो है वो लुक दिया हुआ है गाड़ी को। अब चलते हैं जो इनके ऑनर है उनसे मालूम करते हैं कि भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं और गाड़ी की। नूर भाई, तो नूर भाई की जो है गाड़ी है, नूर भाई 2008 का मॉडल आपने मुझे बताया, गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन वगैरह में कैसी है? बहुत अच्छी है, सबका काम किया हुआ है मैंने अभी खुद। ठीक है, कोई काम नहीं है सस्पेंशन इंजन वगैरह में? कोई काम नहीं। बॉडी वाइज कैसी है गाड़ी? बिल्कुल कड़क है बॉडी वाइज मैंने खुद बनाई है। ठीक है, 2008 का मॉडल, क्या डिमांड करना है आप इसके? 5,60,000 रुपये। ठीक है, 5,60,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, बाकी गाड़ी पेपर वगैरह से क्लियर है? बिल्कुल, रिटर्न फाइल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ठीक है, CPLC टैक्स वगैरह? जी। ठीक है, अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। 0345-0345-64-64-288-20-20। तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो गाड़ी तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को दिखा दी है, सस्पेंशन में गाड़ी अच्छी है, इंजन वाइज बता रहे हैं कि अच्छी है। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है। सुजुकी 82 का एक मॉडल मिल गया, तो कोशिश करेंगे इस गाड़ी को भी अच्छे से देखें। रिकंडीशन हुई हुई गाड़ी पूरी और अच्छे से जो इन्होंने मेंटेन करा हुआ है, व्हील वगैरह की कंडीशन आपको इसमें अच्छी मिल जाती है, बाकी साइडें वगैरह देखें, फ्रंट देखें, तो गाड़ी बिल्कुल फ्रंट से और साइडों से बिल्कुल क्लियर है, दोनों साइडों से क्लियर है। बाकी इन्होंने पीछे का जो ये सारा चीज़ें भी दोबारा से जो है बनाई हैं, जो इसकी लकड़ियाँ वगैरह होती हैं ये सारी चीज़ें इन्होंने दोबारा से लगाई हुई हैं, पीछे शीट्स वगैरह जो है लगी हुई हैं गाड़ी में, अच्छा सा जो है इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है गाड़ी को। और मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली जो है इन्होंने वो इसको अपग्रेड करा है, यानी कि दोबारा से रिफर्फ करा है। तो अभी कोशिश करेंगे इसकी सारी डिटेल लें, क्या खर्चा वगैरह हुआ और गाड़ी अभी कितने में दे रहे हैं ये भी कोशिश करेंगे कि हमें पता चल जाए। तो इंटीरियर देख लेते हैं एक नज़र, तो अंदर से भी गाड़ी इन्होंने पूरी अच्छी सी जो है वो कलर करवाई है, यानी कि ओवरऑल ही कराई है गाड़ी। बाकी डैशबोर्ड वगैरह की बात करूँ तो डैशबोर्ड वगैरह आप लोगों को इसमें क्लियर मिल जाता है, सीट्स इन्होंने नई जो है वो इंस्टॉल करी हुई है। चलते हैं भाई के पास, भाई से मालूम करते हैं कि भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है इमरान भाई, तो इमरान भाई की जो गाड़ी है, इमरान भाई 82 का आपने मुझे मॉडल बताया, गाड़ी की डिमांड क्या कर रहे हैं आप? 3 लाख रुपये। ठीक है, 3 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। तो एक आइडिया मुझे दीजिएगा कि अगर हम कोई गाड़ी पूरी करते हैं, यानी कि दोबारा से बनाते हैं, तो कितना पैसा खर्च हो जाता है? कम से कम 1.5 लाख रुपये खर्च हो जाता है। ठीक है, 1.5 लाख रुपये ओवरऑल हो जाती है पूरी गाड़ी? ठीक है, गाड़ी ओवरऑल 1.5 लाख रुपये तक में हो जाती है। बाकी इसमें सस्पेंशन वगैरह इंजन वगैरह कैसा है? अच्छा है, मैकेनिकल से गाड़ी है, मैकेनिकल से अच्छी है। बाकी वगैरह नए डाले हुए मैंने। ठीक है, बाकी पेपर वगैरह कैसे हैं इसके? सब क्लियर है। बाकी डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। 0304-0304-29-29-54-785-785। तो ये जो इमरान भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड करते हैं। हम लोगों को मिल गया 93 का जो है मॉडल, 93 का जो है मॉडल है गाड़ी, ओवरऑल इन्होंने काफ़ी अच्छी से मेंटेन करके रखी हुई, रिकंडीशन कब की है, ये सारी चीज़ें जो इनके ऑनर है हम उन्हीं से मालूम करेंगे। व्हील वगैरह आपको इसके जो है नॉर्मल कंडीशन में मिल जाते हैं। बाकी बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड भी मैं आप लोगों को एक नज़र इस गाड़ी की दिखा देता हूँ। सो आज ये थोड़ा सा मैं क्विक रिव्यू इस वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि देखें यार टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 6:30 तकरीबन बज रहे हैं अभी, और बस ये कि अभी सूरज जाने वाला है, तो इस चक्कर में थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो आप लोगों को
डिटेलिंग से गाड़ी दिखा रहा हूँ, लेकिन ये कि जो ऑनर है उनसे ज़्यादातर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें और अच्छा सा जो है वो आइडिया हो रहा है। दरवाजे वगैरह साइडों से क्लियर है, नीचे की पट्टी वगैरह क्लियर है, डैशबोर्ड वगैरह की कंडीशन जो है आप लोगों के सामने है, सीट्स वगैरह जो है गाड़ी की वो इन्होंने मेरे ख्याल से नहीं डाली हुई है। बस अब चलते हैं भाई के पास, भाई से मालूम करते हैं इसकी क्या डिमांड है। मौजूद है जुबैर भाई, तो जुबैर भाई की जो है गाड़ी है, जुबैर भाई 93 का जो है मॉडल है, आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 3.5 डिमांड। ठीक है, 3.5 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने दोबारा खुद बनवाई है या आपने ऐसे ली थी? ठीक है, ताकि मैं क्या खर्चा आ जाता है गाड़ी पे बनवाने पे? अब ये तो गाड़ी के कंडीशन के ऊपर बात है ना। अच्छा, ज़्यादा गली भी हो तो कितना आता है? ज़्यादा गली हो तकरीबन 1.5 लाख, 1.5 लाख के करीब आ जाता है। ठीक है, बाकी अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा। नंबर 0340 0340 48 48 55 55 008 008। तो ये जो है भाई का नंबर है। बाकी दो तीन चीज़ें और मुझे बताइएगा कि फाइल वगैरह क्लियर है इसकी? CPLC वगैरह क्लियर है? क्लियर है, फाइल भी क्लियर है। टैक्स वगैरह पेड है जी? सस्पेंशन इंजन में कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है, सब ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ। तो अभी हम लोग को 2009 का जो है मॉडल मिल गया, काफ़ी सारे हम लोगों ने पुराने मॉडल देखे, अभी जो है 2009 का मॉडल आगे का, तो हम लोगों को अच्छा खासा जो है प्राइस का भी पता चल जाएगा। व्हील वगैरह इसकी अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं आपको, साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी के क्लियर हैं, बाकी हुड वगैरह इन्होंने लगाया हुआ है। बाकी आगे जो हमने देखी थी वो रिकंडीशन गाड़ी थी, ये ओरिजिनल पे मेरे ख्याल से इन्होंने रखी हुई है पूरी गाड़ी। बाकी ये कि इनके ऑनर जो है हम उनसे मालूम भी करेंगे कि क्या हिसाब किताब है, इन्होंने पूरी ओरिजिनल पे रखी हुई है या कोई टचअप वगैरह कराया हुआ है। जो भी A to Z जो इनके ऑनर है हम उनसे बात करेंगे। तो गाड़ी तो मैंने आप लोगों को दोनों साइडों से अभी दिखा दी है, बाकी एक इंटीरियर वगैरह भी देख लेते हैं। तो इंटीरियर वगैरह भी आप लोगों का अच्छी कंडीशन में मिल जाता है, नॉर्मल कंडीशन में जो होता है इसका अपना डैशबोर्ड वगैरह, बाकी सीट्स वगैरह अच्छी कंडीशन में है, छत वगैरह जो है इसकी अच्छी कंडीशन में है। तो गाड़ी तो ओवरऑल हम लोगों ने देख ली, सामने इसके जो है वो जंगला वगैरह भी लगा हुआ है और सामने से भी गाड़ी क्लियर है और छत वगैरह भी जो है इसकी क्लियर है। बस चलते हैं भाई के पास जो इनके ऑनर है उनसे मालूम करते हैं कि भाई इसकी क्या डिमांड। अभी मेरे साथ मौजूद है अली भाई, तो अली भाई की जो है गाड़ी है, अली भाई 2009 का जो है मॉडल आपने मुझे बताया, अच्छा ये पूरी जेन्युइन पे रखी हुई आपने? शावर है। ठीक है, तो गाड़ी जो है शावर है, 2009 का जो है मॉडल है गाड़ी, ओवरऑल मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी इसकी डिमांड क्या करना है अली भाई? 5-30 डिमांड है। कितने? 5-30 5-30 जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, कोई काम इसमें सस्पेंशन इंजन वगैरह में? कोई काम वगैरह नहीं है। ठीक है, अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा। 0301 0301 23 23 6 00 00 65। तो ये जो है अली भाई का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी जो है वाइट करते हैं। शुक्रिया अली भाई। फाइनली दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोगों को मिल गया 2010 का जो है ये मॉडल है गाड़ी, ओवरऑल देखेंगे फिर जो इनके ऑनर है उनसे बात करेंगे गाड़ी के क्या डिमांड कर रहे हैं। 2009 हम लोगों ने पीछे देखा, उससे पीछे जो है पुराने मॉडल वगैरह भी देखे और 90 के मॉडल जो रिकंडीशन हुए थे वो भी देखे। तो इस पर हुड वगैरह लगा हुआ है गाड़ी पीछे से आप लोगों के सामने कंडीशन में, बाकी कोई पीस टचअप वगैरह शावर वगैरह जो भी होगा जो इनके ऑनर हैं उनसे मालूम करेंगे और आपको बताएंगे। नॉर्मली साउंड सिस्टम वगैरह इन्होंने जो है इसमें डाला हुआ है, बाकी साइडें वगैरह दोनों क्लियर हैं इसकी। अब चलते हैं इसका इंटीरियर भी एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से देख लें, क्योंकि अभी शाम होती जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि यार जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो ऐड कर लें। तो डैशबोर्ड वगैरह कहीं से टूटा फूटा नहीं है, सारा जो है अच्छी कंडीशन में। बाकी ये कि सीट वगैरह नॉर्मली आप लोगों को अगर सीट कवर अपग्रेड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। दरवाजे वगैरह क्लियर हैं, गत्ते वगैरह अच्छी कंडीशन में लगाए हैं, बाकी नीचे से दरवाजे वगैरह आप लोगों के सामने हैं। तो अभी जो इनके ऑनर हैं उनके पास चलते हैं, मालूम करते हैं कि भाई इसकी क्या डिमांड चल रही है और क्या इसके साथ मौजूद हैं कामरान भाई। तो कामरान भाई की जो ये गाड़ी है, कामरान भाई 2010 का जो है मॉडल बताया, इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 4,90। ठीक है, 4,90,000 रुपये जो है आप गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। अच्छे शावर है ओरिजिनल पे पूरी गाड़ी? हल्की सी टचअप है। ठीक है, हल्की सी जो है वो गाड़ी टचअप है, बाकी गाड़ी ओवरऑल मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अच्छा, इंजन वगैरह में कैसी है गाड़ी? सस्पेंशन वगैरह में सब सही है? सही। ठीक है, बाकी CPLC पेपर्स क्लियर है? क्लियर है। अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा। मेरा नंबर 0345 0345 3239 0 5904 74। तो ये जो है भाई का नंबर है, आप लोग इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो कोशिश ये होती है कि यार गाड़ी अच्छे से दिखा दूँ और डिमांड एक दफा फिर बता दीगा आप हमें। 4,90। ठीक है, 4,90 डिमांड है 2010 का मॉडल। अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने गाड़ियाँ देखी, कोशिश करा कि अच्छे से जो है वो हम लोग देख लें गाड़ी। तो कोशिश यही होती है कि अच्छे से हम लोग गाड़ियाँ वगैरह दिखा दें। तो देखें इस दफ़ा भी मैंने काफ़ी सारी रिकंडीशन गाड़ियाँ भी ऐड करी, 2009 2010 का मॉडल भी ऐड करा, 93 का भी ऐड करा। तो यानी कि यार अभी देखें टाइम काफ़ी कम रहता है, तो इस वजह से मैंने बोला चलो यार माइंड अप करते हैं। तो सूरज तो बिल्कुल ही नीचे चला गया है, तो बस हम हमारे पास टाइम नहीं था, तो इस वजह से हम लोगों ने बस यही गाड़ियाँ ऐड करी। फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग बता दिया करो कौन सा मॉडल चाहिए, क्या हिसाब किताब है, यानी कि थोड़ा बहुत गाइड कर दिया करो मुझे, ताकि मैं जब आऊँ तो फिर आप लोगों के हिसाब से जो है वो गाड़ियाँ देखूँ। तो अभी एक भाई थे, काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि यार आप ये गाड़ी बनाओ, क्या कहते हैं पिक एंड ड्रॉप की आप बना नहीं रहे हो, 2-स्ट्रोक 4-स्ट्रोक की आप बना नहीं रहे हो, चैम्बर की बना नहीं रहे हो। तो मैंने इस वजह से भी फिर मैंने बोला चलो यार आज बना लेते हैं, सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी। तो जितने भी लोग थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। जाते जाते लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई का चैनल। अल्लाह हाफिज़।